नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कर्नाटक के शिवमोगा जिले के इस्लामिक स्टेट ISIS साजिश मामले में 9 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी भविष्य में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए रोबोटिक्स कोर्स करने वाले थे। आरोपियों ने ISIS की साजिश के तहत लोगों को डराने और कई स्थानों पर रैकी करने के लिए शिवमोगा में एक IED ब्लास्ट किया था। वे आतंकी और हिंसक घटनाओं को बढ़ाकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे। एजेंसी ने शुक्रवार को दाखिल अपनी चार्जशीट में मोहम्मद शारिक, माज मुनीर अहमद, सैयद यासीन, निशान ताजुद्दीन शेख, हुजैर फरहान बेग, माजिन अब्दुल रहमान, नदीम अहमद, KA जबीउल्लाह और नदीम फैजल N को आरोपी बनाया है। ये सभी कर्नाटक के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों पर UAPA लगाया गया है। 9 में से 2 आरोपियां माज मुनीर अहमद और सैयद यासीन के खिलाफ मार्च 2023 में भी चार्जशीट दाखिल की गई थी। वहीं 5 आरोपियों माज मुनीर अहमद, सैयद यासीन, निशांत ताजुद्दीन शेख, माजिन अब्दुल रहमान और नदीम ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्हें ISIS के एजेंडे को आगे बढ़ाने और भविष्य में आतंकी घटनाओं का अंजाम देने के लिए रोबोटिक्स कोर्स करने के लिए कहा गया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।